नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। रोहतास जिला की खबरों पर एक नजर। दिन दहाड़े सासाराम में एक ठेकेदार से 5 लाख रुपए की लूट कर ली गई। वारदात मॉडल थाना के तकिया मोहल्ले की। बताया जाता है कि तकिया के वीरेंद्र गुप्ता IDBI बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे थे, तो बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पहले उनके बाइक में टक्कर मारी और फिर उनके बाइक को गिरा दिया। तब तक वो संभलते, इसके बाद वो रुपए लेकर के फरार हो गए। IDBI बैंक के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को भी रोहतास जिला के ही डिहरी में अपराधियों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 6 लाख रुपए की लूट कर ली थी। ब्रिज के ऊपर से रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया एवं दो चोरी के बाइक के साथ दो चोर को गिरफ्तार कर लिया। मॉडल थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। SP राजेश कुमार ने बताया कि इन दोनों मॉडल थाना के इलाके में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई। इसके बाद पुलिस जाल बिछाई और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो शातिर बाइक चोर विकास कुमार एवं संदीप कुमार को और दो खरीदार कमल कुमार एवं रतन कुमार को मॉडल थाना के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों चोर सासाराम के बैजला और शिवसागर के रहने वाले ही हैं। आपको बता दें कि ऐसी वारदातें लगातार होती रही है और लगातार ये बाइक चोरी की घटना पुलिस के नाक में दम कर रखी थी। बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन हुआ है, क्या मामला है सर? इसमें दरअसल मॉडल थाना के द्वारा कई दिनों से बाइक चोर के गिरोह का जो है उद्भेदन वगैरह करने का प्रयास चल रहा था। कुछ चोरी की घटना यहाँ बाइक से संबंधित हुई थी, उसी के आलोक में ये कार्रवाई हो रही थी। उसी कार्रवाई के तहत दो लोगों को यहाँ शुरुआती दौर में गिरफ्तार किया गया चोरी के मोटरसाइकिल के साथ, और एक विकास कुमार करके उसमें बैजला का था और दूसरा एक संदीप कुमार जो सिनवार का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया था। और संदीप कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दो और चोरी की मोटरसाइकिल जो इसी थाने से संबद्ध है, चोरी की घटना जो हुई थी वो यहीं पर दर्ज हुआ था, उसको भी बरामद किया गया है। और चोरी का सामान जानते हुए जो लोग मोटरसाइकिल खरीदे थे उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार कुल 4 चोरी में शामिल अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 4 चोरी की मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई है, जिसमें कुछ मोटरसाइकिल यहाँ की चोरी की घटना से संबंधित है। उसमें अलग अलग करके हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और इन लोगों को फॉरवर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। और आरक्षण को लेकर के जहां पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मलाह के नाम से प्रचलित मुकेश साहनी ने आज रोहतास के डेयरी में एक बड़ी सभा की एवं उस सभा में उन्होंने मलाह जाति को संविधान के अनुसार आरक्षण देने की बात कही। डिहरी के पड़ाव मैदान में आयोजित एक जनसभा में सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी ने कहा कि देश के हुक्मरान एक साजिश के तहत संविधान सम्मत अधिकार देने में भी कतरा रहे हैं। जो वर्ग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिसको देश में आरक्षण मिला पहले उनको मिल जाए, उसके बाद देश के बड़े बड़े नेता सोचे कि क्या करना चाहिए। 1950 में जब संविधान बना उसी समय में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण दिया गया। हमारे समाज को बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली जैसे राज्य में आरक्षण मिला, लेकिन बिहार में आरक्षण नहीं मिला। तो हमारी लड़ाई है कि जो पहले संविधान में हमको आरक्षण दिया गया वो पहले लागू हो और हमारे समाज को न्याय मिले, अधिकार मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी 2015 में वादा किए थे कि आपके समाज का जो मांग है वो एकदम जेन्यून और जायज मांग है, हम लोग आने वाले समय में आपके समाज को आरक्षण करेंगे। वो उसके लिए हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार में रथ यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में हर जिला में मुख्यालय में हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं। आज देख ही रहे कि जन सैलाब किस तरीके से यहाँ पर उभरा है। हर जिला में 10 गो 8 गो इसी तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, समाज को जोड़ा जा रहा है, समाज को शिक्षित किए करें और अपने आप को संगठित हो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें, इसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और समाज अपने पैर पे खड़ा है। निषाद के 22 उपजाति के नाम से हम जाने जाते हैं, कहीं बींद, कहीं जलदार, कहीं चौधरी, कहीं नोनिया, कहीं मल्ला, लेकिन हम सब निषाद ही हैं। और हमारा बिहार में 14% की संख्या है वोट बैंक का,
लेकिन राजनीतिक पार्टी या जो भी लोग हैं वो हम लोगों को बहुत दूर रखा, लेकिन अब लोग हम लोग निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल महारैला का आयोजन किया गया, जहाँ पे 10 लाख निषाद परिवार वहाँ पर पहुँचेंगे, अपने शक्ति का एहसास कराएंगे, देश के प्रधानमंत्री से एक ही सवाल करेंगे कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, बिहार में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। 2019 से पहले मोदी जी आरक्षण करें, नहीं तो 2019 में हम निषाद समाज उनको वोट नहीं देंगे। ये अपील के साथ हम लोग वहाँ पे ताकत का एहसास कराएंगे। और साथ ही 1.5 महीने का मैंने अल्टीमेटेड केंद्र सरकार को दे के रखा है कि 1.5 महीने में आप निर्णय लीजिए क्या करना है। नहीं लेते हैं तो 4 नवंबर को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम का घोषणा होगा पटना के गांधी मैदान से। ऑलरेडी पार्टी बन चुका है, सिर्फ नाम का घोषणा होगा, और पूरे बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे, अपने शक्ति का एहसास कराएंगे, जो हमारे विचारधारा हमारे मिशन के साथ चलेगा ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे, वरना 40 के 40 लोकसभा सीट।